तो बार्सा और इंजरी का आपको पता है संबंध कैसा है, मतलब एक दूसरे को चोटी नहीं है। और टेर स्टेगन के इंजरी के बाद बार्सा फैंस को लगा कि अभी बार्सा के पास बस इनियाक ही प्लान होगा जो बार्सा की कमान संभालेगा, पर लापोटा और डेको के पास कुछ अलग ही प्लान था। शेज़नी यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया था फुटबॉल में, पर शेज़नी यहाँ पे बार्सा ज्वाइन कर चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो रीजन बार्सा यहाँ पे शेज़नी को साइन क्यों किया ओवर केलो नावास। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना और अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर देखा जाए तो बार्सा के पास यहाँ पे बहुत मल्टीपल ऑप्शन थे कीपर साइन करने के लिए एज अ अल्टरनेटिव ऑफ टेर स्टेगन, पर बार्सा ने यहाँ पे चूज किया शेज़नी को। मेनली यहाँ पे शेज़नी का यहाँ पे एजेंट वगैरह, प्लस यहाँ पे शेज़नी यहाँ पे बहुत अच्छा दोस्त है लेवांडोस्की का, तो उसका कनेक्शन वगैरह हो गया। और लेवा भाई साहब क्या कमाल दिखा रहा है, मतलब पिचिची लीडर है, प्लस यहाँ पे लेवा यहाँ पे एजेंट का जैसा भी काम कर रहा है। और तो पहला रीजन ये है कि यहाँ पे बार्सा ने यहाँ पे शेज़नी को साइन किया है ओवर केलो नावास, और वो होगा एज फैक्टर। केलो नावास यहाँ पे 38 साल का है और शेज़नी 34, तो 4 साल का डिफरेंस है। और शेज़नी यहाँ पे इवेंचुअली 35 पे रिटायर होने की सोच रहा था, पर उसका यूवेंटस में कुछ इशू चल रहा था इसीलिए उसने यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट ले रही थी, पर अभी वो रिटायरमेंट से वापस आ गया है। और आपको पता है बार्सा अगर नॉक करती है तो भाई साहब लोग रिटायरमेंट से भी वापस आ जाते हैं, और आज ये प्रूव हो गया। बार्सा का पूल यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पूल है फुटबॉल जगत में, और आज ये प्रूव हो गया था। और फेब्रिजो ने भी हियर वी गो बोल दिया है। और केलो नावास अगर देखा जाए तो उसका एज फैक्टर, और वो अपने करियर के डिक्लाइन में था, और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर है मैड्रिड के हिस्ट्री में, मैड्रिड का लेजेंड है। पर वो मतलब वो उसने भी बोला था कि मतलब वो भी रेडी था बार्सा ज्वाइन करने के लिए, तो फीगो जैसा ही सिचुएशन बन जाता उसका। और मैड्रिड फैंस मतलब बर्नबाउ में अगर वो क्लीन शीट वगैरह रख देते और बार्सा पेल देते तो मतलब ऑल ही कमाल हो जाता। पर यहाँ पे बार्सा ने यहाँ पे एज फैक्टर या, और मुझे लग रहा है कि केलो नावास बहुत शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट हो सकता था बार्सा बार्सा में, और शेज़नी यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि शेज़नी यहाँ पे 2-3 साल खेल भी सकता है एज अ बैकअप गोलकीपर। पर उसने बोला है कि मुझे यहाँ पे इस नंबर वन स्पॉट के लिए फाइट करना है। और मतलब देख सकते हो आप कि टेस्ट एगन अगर टेस्ट एगन का मतलब कुछ मतलब और एक्सटेंड होता है तो शेज़नी यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकता है। इनिशियली 1 साल का ही डील है उसका, पर ये मेन रीजन था अगर देखा जाए तो। और सेकेंड जो रीजन होगा जो शेज़नी यहाँ पे बार्सा ने चूज किया है ओवर केलो नावास, वो होगा केलो नावास डायहार्ड मैड्रिड फैन, मतलब मैड्रिडस है। और मुझे लग रहा है कि यही फैक्टर है, क्योंकि देखो इंडिया में ही हम इस बैच के लिए इतने लट्टे हैं। लाइक अगर आपका आपका भी दोस्त होगा कोई वो मैड्रिड फैन होगा तो आप राइवलरी मतलब मेंटेन करते हो, तो भाई साहब डेको फिर लापोटा या पे वो सोचो, वो लोग सोचो कि वो लोग कितने डायहार्ड कूलर्स होंगे। तो कोई कूलर नहीं चाहेगा कि मैड्रिड का प्लेयर आ जाए बार्सा में और खेले। और ऐसा अभी रिसेंटली हुआ भी नहीं है, असेंसियो लिंक था लास्ट के लास्ट सीजन पर वो आने का भी सोच रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा था सीन, पर वो पीएसजी चला गया। पर मेन रीज़न मुझे होगा वो लापोटा ने ये डील ऑफ कर दी केलो नावास की, वो होगा कि वो मैड्रिड का एक्स प्लेयर है, मैड्रिड का लेजेंड भी है, यूसीएल भी जीता है वो उनके साथ, तो और नहीं बनता। और 38 ईयर्स और ये 5-6 महीने के लिए मुझे लग रहा है बार्सा गोलकीपर नहीं चाह रही थी। मुझे लग रहा है बार्सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन देख के बार्सा ने साइन किया है शेज़नी को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शेज़नी अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो बार्सा उसको रिटेन भी कर सकते हैं, या डिएगो कोस्टा एक पोर्तुगल का बंदा है उसको उसके लिए भी जा सकती है। तो शेज़नी यहाँ पे अच्छा मूव था बार्सा के लिए। और मुझे थॉट्स अपने कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप कूलर हो। और विस्का बार्सा ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। फोर्सा बार्सा।